गुड मॉर्निंग क्लास फोर. आज मैं तुमको एक नया चैप्टर पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 22. ठीक है, ये एक कहानी है. ये मैं तुमको आज रीडिंग करके यानी कि रीड करके मैं तुम्हें ये रीडिंग तुमको घर में करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये चैप्टर तुमको दूंगी. ओके, तो किस तरह पढ़ना है ये मैं तुम्हें इसे पढ़कर सुना रही हूँ. इस चैप्टर का नाम है ऐसे थे वे. ठीक है, मैंने किसी के बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है. किसके बारे में बताया जा रहा है ये मैं बाद में बताऊंगी. तो जिसके बारे में बताया जा रहा है तो उनको बोला जा रहा है कि वो ऐसे थे. उनका कुछ जीवन परिचय दिया गया. जीवन परिचय मतलब उनके लाइफ के बारे में बताया गया. ओके, तो ये एक प्रेरक प्रश्न है. प्रेरक प्रश्न जिसको बोलते हैं कि ये कहानी सुनकर तुमको प्रेरणा मिलती है. ठीक है, तुमको क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा मीन्स तुमको उसकी तरह बनने का, मैं भी इस तरह बन सकता हूँ. कि ये कोई भी अच्छा जो जो हम लोग के बहुत नाम किए हुए व्यक्ति होते हैं उनका जीवन भी तुम्हारी तरह होता है. लेकिन छोटे बच्चे से ही क्या होता है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं. समझ में आ रहा है मेरी बात? थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं. तो कैसे होते हैं वो, अपनी जीवनचर्या किस तरह निभाते हैं, इस कहानी में हमें वही बताया गया. यह घटना उन दिनों की है जब बाल गंगाधर तिलक आपकी तरह पाठशाला में पढ़ते थे. ठीक है, अब देखो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि आजादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी थी उनके बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं. तो क्या होता है, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं या जो बहुत नाम किए हुए लोग होते हैं वो भी तो कभी ना कभी पाठशाला में पढ़े होंगे. उन्होंने भी तो एजुकेशन लिया होगा. तो वो पाठशाला में जब थे तो वो कैसे थे ये बताया गया है. एक दिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे. तिलक अपने दोस्त से बातें करने में मग्न थे. जैसे तुम लोग करते हो क्लास में, है ना, कोई कोई बहुत कॉन्सेंट्रेट करके मिस जो पढ़ाते हैं या टीचर जो पढ़ाते हैं देखते हैं, और कोई क्या होते हैं इधर उधर बात करते हुए रहते हैं, तब हम लोगों को डांटते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट ऐसा करके हम लोग बोलते हैं. तो तिलक भी क्या थे, बच्चे थे, सब बच्चे एक ही किस्म के होते हैं. तो वो क्या कर रहे थे, अपने साथी से टीचर पढ़ा रहे थे लेकिन वो उनको ध्यान ही नहीं दे रहा था. वो अपना दोस्त के संग में पूरा बात किए जा रहा था. ठीक है, यह देखकर अध्यापक महोदय ने उन दोनों को खड़ा किया और उनसे पाठ के विषय में कुछ प्रश्न पूछे. ठीक है, अब टीचर ने सोचा कि क्या है, ये तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, ये तो बातें कर रहा है, तो चलो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में मैं क्या करूँ, इनसे कुछ क्वेश्चन करूँ, इनसे कुछ क्वेश्चन करूँ कि ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि नहीं. तो दोनों को खड़ा कर दिया और उन्होंने क्या किया, प्रश्न पूछना शुरू किया. अध्यापक भी जानकर ये देखकर बहुत आश्चर्य हो गए कि तिलक ने जो है सारे उत्तर ठीक ठीक दिए, लेकिन उसका जो दोस्त था कुछ भी नहीं बता पाया. समझ में आ रहा है मेरी बात? लेकिन तिलक तो इतने इंटेलिजेंट थे, इतने ज्ञानी थे कि वो बात तो कर रहे थे लेकिन वो पाठ को भी सुन रहे थे. समझ में आ रहा है मेरी बात? लेकिन उसका जो दोस्त था, जो था वो क्या था, वो कुछ कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका. तो क्या हुआ, तो अब क्या होता है, अध्यापक महोदय ने तिलक को बैठने के लिए कहा और उनसे बोले, देखो तिलक ने तो अपना पाठ सुना दिया, मैं समझता हूँ कि तुम बातें कर रहे थे तिलक में, इसीलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तुम खड़े रहो. ठीक है, समझ में आया? अब क्या हुआ कि तिलक जो है वो क्या किए, उन्होंने तो आराम से सवाल से दे दिया, लेकिन जो उसका दोस्त था वो एक भी आंसर नहीं दे पाया. अब वो आंसर नहीं देने से क्या हुआ कि सर ने बोला, इसका मतलब तिलक तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, तुम्हें उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, इसीलिए उनसे पढ़ने में खड़ा रहने के लिए कहा और तिलक को बैठने के लिए कहा. ठीक है, वह बालक अध्यापक महोदय का आदेश पाकर खड़ा रहा. दोस्त को सजा मिलती देख तिलक फिर से खड़े हुए बोले, अध्यापक जी मेरा दोस्त नहीं बल्कि मैं भी बातें कर रहा था.
अब क्या हुआ, उसकी दोस्त को सजा मिली, लेकिन जो तिलक थे उनको तो बैठने के लिए कहा, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन का आंसर सब राइट राइट दिया था। लेकिन तिलक इतने मतलब सत्य थे, सत्य बोलते थे, सच्चा बोलते थे कि उसको अपने दोस्त को खड़ा देखकर उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो भी तो डिस्टर्ब कर रहा था। तो उसने खड़ा होकर बोला कि नहीं, मेरा दोस्त बातें नहीं कर रहा था, मैं भी बातें कर रहा था। ठीक है, वह बालक अध्यापक महोदय का आदेश पाकर खड़ा रहा, दोस्त को सजा मिलती देख तिलक फिर से खड़े हुए और बोले, अध्यापक जी मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मैं बातें कर रहा था। ठीक है, क्या होता है, एक की गलती नहीं होती है, गलती दोनों की ही होती है। जो बातें कर रहा है वो भी गलत है और जो क्या कर रहा है उनकी बात सुन रहा है वो भी गलत है, तो सजा दोनों को ही मिलनी चाहिए। अध्यापक महोदय ने पूछा, फिर तुमने सारा पाठ कैसे सुना दिया। ठीक है, तिलक बोले, अध्यापक महोदय एक बार सुनकर ही मुझे पूरा पाठ याद हो जाता है। क्लास में क्या होता है, हमारे क्लास में जो होता है, कोई बच्चे बहुत एक ही बार सुनने से उसको लेशन याद हो जाता है, किसी को वो लेशन दो बार तीन बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि जो होती है, जैसे हम लोगों का फेस जो है डिफरेंट डिफरेंट है, हमारी हाइट डिफरेंट है, हमारा कलर डिफरेंट है, हमारी बोली डिफरेंट है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से आते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई बंगला बोलता है ना, तो हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग का लैंग्वेज अलग है, हम लोग की भाषा अलग है, हम लोग का हाइट अलग है, हम लोग का बर्ताव अलग है, उसी तरह हमारी बुद्धि भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट होता है। कोई एक बार में सारा कुछ याद कर लेता है, किसी को वही पाठ क्या है दो तीन बार पढ़ने से ही सिर्फ याद होता है ना। तो तिलक जो था वो बहुत ही तेज बुद्धि का था, उसे एक ही बार पढ़ने सुनने से उसे सब कुछ याद हो जाता था। तो उसने यही बोला, अध्यापक महोदय की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए, मतलब वो सच्चा बोला, इसीलिए मैं बात कर रहा था लेकिन मुझे क्या था, एक बार ही लेसन पढ़ने से याद हो जाता है, ये उसने एक्सेप्ट किया। फिर भी उन्होंने तिलक को समझाते हुए यही चीज मैंने अभी तुमको क्या बोला कि कोई क्या होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, एक ही बार पाठ याद होता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बुद्धिमान का मतलब ये नहीं कि मुझे एक बार में याद हो जाए और मैं जो दो तीन बार में उसको डिस्टर्ब करूं, ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी का मतलब ये है कि मुझे अगर एक बार में याद हो जाए तो मैं अपने जो बगल में जो दोस्त है उसको मैं हेल्प करूं समझाने में, समझ में आ रही मेरी बात, तो वो हेल्प करना ज्यादा बुद्धिमानी का काम है, ये नहीं कि मैं उसको डिस्टर्ब करते रहो क्योंकि मुझे एक बार में सब कुछ याद हो जाता है। तुम भी क्लास में वही करना, अगर तुमको बहुत जल्दी याद हो जाता है तो तुम अपने बगल में जो बच्चा है उसको समझाना कि ये ऐसा है ऐसा है, ये नहीं कि तुम उसको भी डिस्टर्ब करो, समझ में आ रहा है। तो वही बोलते हैं, तुम बुद्धिमान हो इसलिए तुमने एक बार में ही पाठ याद, लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना होशियार नहीं है इसीलिए उसे पाठ याद नहीं हो सका। बेटा, बुद्धिमान होने का यह अर्थ नहीं कि तुम दूसरों की पढ़ाई में अड़चन डालो, अड़चन मतलब तुम डिस्टर्ब करो, तुम उसको उसकी पढ़ाई में तुम खुद याद कर लो और दूसरे को तुम क्या करो, जैसे क्लास में तुम लोग 50 बच्चे हो, अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके दूसरे को क्या होता है, कोई तुमको थोड़ा सा स्लो लिखता है, कोई फास्ट लिखता है, मैंने अभी बताया कि क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, कोई बहुत जल्दी अपने काम खत्म कर लेता है और कोई क्या होता है बहुत आस्ते आस्ते अपने काम को करता है, इसका मतलब तुम जल्दी खत्म करके उसको डिस्टर्ब करो, ये नहीं। ठीक है, तुम जल्दी खत्म करो तो उसको भी हेल्प करो, तो ये तो अध्यापक ने वही समझाया। तिलक ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी, तिलक ने रियलाइज किया कि मैंने जो किया है वो क्या है, मिस्टेक है, गलती हो गई मुझे। अध्यापक महोदय ने उन्हें माफ करते हुए कहा, तुम एक अच्छे बालक हो, तुम में महान व्यक्ति बनने के गुण, याद रखो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। समझ में आ रहा है, मैं बुद्धिमान हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़कर दूसरे को डिस्टर्ब करूं, मेरा बुद्धि का मुझे सही दिशा में उसको मैं थोड़ा बहुत सिखाऊंगा या सिखाऊंगी तो मुझे भी और ज्यादा याद होगा, ये सोचना चाहिए। ठीक है, वही तिलक बड़े होकर एक महान नेता लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने गए, और ये जो बच्चा था ये बाद में क्या हुआ, बड़ा होकर लोकमान्य
यानी कि लोगों के चहेतार बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने गए। देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ठीक है, हमारा देश तुम लोगों को मालूम ही है, हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि क्या था, हमारा देश जो था आजाद नहीं था, अंग्रेजों के कब्जे में था। तो इन्होंने उस समय गांधी जी ये सब थे ना हमारे फ्रीडम फाइटर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद आ रहा है, तो उनके संग में इनका भी नाम, इन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी हमारे देश को आजाद करने में। ओके, तो उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम जो आजाद है, हम जो फ्री इंडिया में रह रहे हैं, ये सब इन नेताओं की बदौलत ही हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो हमको कभी भी उनके जो उन्होंने हमारे जिंदगी में जो कंट्रीब्यूट किया उसको हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। उन्होंने ही भारतीयों को नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर नहीं रहेंगे। ओके, उनका एक क्या था स्लोगन जिसको बोलते हैं वो था, ठीक है, तो उनका स्लोगन क्या था, स्वतंत्र रहना यानी कि किसी के अधीन में नहीं रहना, किसी के कब्जे में नहीं रहना, ये हमारा जन्म से ही अधिकार है। ठीक है, और ये हम लेकर ही रहेंगे। उनका ये बहुत ही जनप्रिय यानी कि बहुत ही फेमस स्लोगन था जिसे हम अभी भी याद करते हैं, अभी भी हम क्या करते हैं इसको हम लोग याद करके बोलते हैं। तो ये अगर तुम्हारा ये स्लोगन आने के संग संग में क्या होगा, इस स्लोगन को किसने किया लिखा था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, हम इसको यही ये भी बोल सकते हैं। समझ में आया ये बात। तो ये नेशन को तुम लोग देखते हो, ये नेशन ज्यादा कुछ नहीं है, 22 पेज में एक पेज है और 23 पेज में सिर्फ हाफ पेज है। समझ में आ रहा है मेरी बात। और देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट तुम क्या करे हुए, इसको रीडिंग करने की कोशिश करोगे। कोशिश क्या है, इसमें बहुत कुछ कुछ वर्ड जो है बहुत हार्ड वर्ड है, तो तुम इसको क्या करोगे स्पेलिंग कर करके, जैसे अध्यापक है इसका स्पेलिंग करके, तुमको जो हार्ड लग रहा है उसको तुम अच्छी तरह से इसको तोड़ तोड़ के स्पेलिंग करके इसको पढ़ोगे। ठीक है, जैसे जन्म बुद्धिमान है, जन्म सिद्ध है, स्वतंत्रता है, ये सब जो हार्ड स्पेलिंग है इसको तुम अच्छी तरह से पढ़कर इस लेसन को तुमको सिर्फ रीड करना है यानी कि रीडिंग प्रैक्टिस करना है। अब देखो यहाँ पे संदेश, मतलब ये जो पूरा कहानी हमने पढ़ा, इस कहानी से जो तुम्हें कुछ शिक्षा तो मिलती है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हरदम सच बोलना चाहिए। ठीक है, और सच भी कब बोलना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए। ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए हर वक्त हमें सच बोलना चाहिए। और हमें झूठ बोलने से क्या होता है, हमें बहुत सोचना पड़ता है कि मुझे ये करना है, ऐसा झूठ बोलना है। एक झूठ जो बोलता है उसको छुपाने के लिए हम लोग 100 झूठ बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए, हमें सब, अब टीचर ने खड़ा भी किया तो क्लास में, अगर लोकमान्य तिलक को खड़ा भी किया तो कितना है, 40 मिनट्स का ही तो क्लास होता है, उतने देर तक वो खड़ा रहा, उसके बाद तो अध्यापक ने सिर्फ सच बोलने पर तो उसकी कितनी प्रशंसा की, ये भी तो देखना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो हर वक्त क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, तो तुम लोग का आज का सिर्फ यही वॉक है कि तुम लोग इस चैप्टर नंबर 3 यानी पेज नंबर 22 और 23 का जो हाफ है उसको अच्छी तरह से रीडिंग करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो दूसरा वॉक होगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके।